अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है कि आपके जो फिफ्थ यूनिट टेस्ट के पेपर है वो सभी आपके बहुत ही अच्छे से गए होंगे। आपने ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ टेस्ट को कंप्लीट किया होगा। हमारा ऑनलाइन क्लास का जो सिलसिला है हम उसे शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर हमारे बहुत सारे बाकी हैं। चैप्टर नंबर 9th में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है, उसे हम क्लियर करते हैं। चैप्टर नंबर 9th जिसका नाम है हिजान, तहरीक और हिजान। अब तहरीक किसे कहते हैं, हिजान किसे कहते हैं, ये हमने समझ लिया है। जिसने नहीं समझा है वो पहले की वीडियोस को देखिए। उसमें भी हमने बात किया कि तहरीक की मेन दो किस्में हैं, जिस्मानी तहरीक और एक है नफसी समाजी तहरीक। जिस्मानी तहरीक में हमने बात की थी भूख, तिश्नगी, नींद और जिंसियत। चारों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी ज़रूरी तहरीकों में से एक तहरीके है। ठीक है, आज हम इस सेशन में समझेंगे नफसी समाजी तहरीक में कौन कौन सी तहरीकें आती हैं और वो कितनी इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसकी क्या अहमियत है। नफसी समाजी तहरीक। जिस्मानी तहरीक की तस्कीन की तरह चंद नफसियाती तहरीकों की तस्कीन भी ज़हनी सेहत की नशोनुमा के लिए अहम है। जिस तरह से हमारी जिस्मानी तहरीकें हैं लाइक भूख, तिश्नगी, नींद, जिंसियत, सेम उसी तरह से हमारी जहनी सेहत के लिए भी नफसी समाजी तहरीक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। इन तहरीकों के अदम तस्कीन से फ़र्द में मनफी नफसियाती असरात रुनुमा होते हैं। अदम तस्कीन का मतलब होता है कि जो वो चीज़ें हमें हासिल नहीं होती है तब हमें नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, बीमारियाँ हो सकती है उससे, हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। सो जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है जिस्मानी तहरीकें, सेम वे उसी तरह से हमारे जहनी सेहत के लिए ज़रूरी है हमारी नफसी समाजी तहरीकें। नफसी समाजी तहरीकों में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उन चीज़ों का शुमार होता है, तहसील की तहरीक, इल्हाक की तहरीक है, सॉरी इल्हाक की तहरीक, इक्तदार की तहरीक और शफक्कत और राबते की तहरीक। इसे हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि ये तहरीकों में किन चीज़ों का शुमार होगा। फर्स्ट है हमारी तहसील की तहरीक। गुजराती में से कहेंगे सिद्धि माटेनी प्रेरणा, अचीवमेंट मोटिव, अचीवमेंट, कोई चीज़ को हमें हासिल करना है वो अचीवमेंट कहलाता है हमारा अचीवमेंट। मैकलेंडन की राय के बमुजब जोखम उठाने वाले, मुआशी इलाके की तश्कील करने वाले, मुंतजमिन वगैरह तहसील की तहरीक के सबब ही अफ़ाल अंजाम देते हैं। ऐसे लोग धन दौलत या नफ़ा के बजाय तहसील या कामयाबी की ख्वाहिश से कारगुजारी अंजाम देते हैं। देखिए यहाँ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो तहसील की तहरीक में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो लोग, मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो धन दौलत कमाने की बजाय, नफ़ा कहाँ से हासिल हो जाएगा, कहाँ से मैं शॉर्टकट रास्ता निकाल के अमीर हो जाऊँ या फिर सक्सेस हो जाऊँ, उन लोगों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कामयाबी के ख्वाहिशमंद लोग जो जद्दोजहद करना जानते हैं, जोखम उठाना जानते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनकी बात हो रही है। तहसील की तहरीक इंसानी नशोनुमा में अहम रोल अदा करती है। पेशावराना तहसील हासिल करने वाले खिलाड़ियों, साइंसदानों, फ़नकारों और सनतकारों में तहसील की शदीद तहरीक नज़र आती है। मतलब ऐसे लोग जो अपना गोल, अपना मकसद तय करते हैं, अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बात करें धीरूभाई अंबानी या APJ अब्दुल कलाम जैसे अजीम शख्सियात का ताल्लुक मामूली घराने से होने के बावजूद उन अफराद ने अपने इलाके में गैर मामूली तहसीलात हासिल की थी। ठीक है, ऐसे लोग जो मामूली घराने के होते हैं लेकिन जब वो अपना एक गोल बना लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए वो कोई भी तरीके की जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना गोल को हासिल करते हैं, वो जो तहरीक होती है वो तहरीक को कहते हैं तहसील की तहरीक। अब जो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो अपना गोल हासिल करने के लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं, उनके अंदर कुछ अलग खासियत होती है जो नॉर्मल इंसानों में, मतलब आम इंसानों से उन्हें कुछ अलग करने की चाहत होती है, उनमें कुछ अलग खासियत होती है। वो कौन कौन सी खासियत है उसे देखते हैं।
तहसील की तहरी के हामिल अफराद में दर्ज ज़ैल औसाफ की तर्ज पाई जाती है। पहला है, आसान नहीं बल्कि मुश्किल अफ़आल का इंतखाब करते हैं। जो काम आसान हो वो काम को वो करने की चाह वो रखते नहीं, वो कुछ अलग से मुश्किल काम को लेकिन उसे भी सही तरीके से 101% देकर वो काम को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पहला है कि वो आसान नहीं बल्कि मुश्किल काम को, मुश्किल अफ़ाल को इंतखाब करते हैं, पसंद करते हैं। मुआवजा, सिले की तौकी के बग़ैर फ़ैल की तकमीलियत की जानिब तवज्जो देते हैं। ये एक दूसरी खासियत है इन लोगों के अंदर जो तहसील की तहरी के हामिल अफराद होते हैं, उनमें मुआवजा यानी कि पैसा, इनाम, ये सारी चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते। उन्हें कोई काम करना है, अगर उन्होंने काम अपने हाथ में ले लिया तो वो उसे बिना कोई लालच के उसे पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद, पूरे दिल से वो काम करते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ मैं ये करूँगा, मुझे इनाम मिलेगा, इनाम के लिए मैं ये करूँगा, नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सक्सेस हासिल करने के लिए वो काम को वो करते हैं। ये खासियत होती है उनमें। तीसरा है, इनफरादी जिम्मेदारियों को तस्लीम करते हुए मकसूद की तरफ तौर पर तरक्की करते हैं। इनफरादी जिम्मेदारी को समझते हैं। इनफरादी जिम्मेदारी यानी कि अपनी खुद की जिम्मेदारी क्या है उसको भी समझते हैं। सपोज़ करो कि आपको कोई टीम वर्क दिया गया है, आपकी टीम में 5 लोग हैं। अब उन 5 लोगों में आपको कितना काम करना है वो ये चीज़ समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि, मतलब वो ये नहीं समझते कि टीम वर्क है अगर मैं नहीं करूँ तो भी चले। काम के लिए कोई काम चोरी नहीं करते। उन्हें पता है कि इनफरादी मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। भले ही मैं टीम वर्क कर रहा हूँ, टीम के अंदर मेरे और 6 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, फिर भी मेरे लिए कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना हक में मेरे काम है, उतना ज़्यादा करने की वो कोशिश करते हैं। तो इस तरह से 3 चीज़ें उनमें पाई जाती है, आसान नहीं बल्कि मुश्किल काम लेते हैं, मुआवजे की इनाम के बगैर वो अपना काम करने का सोचते हैं, और इनफरादी ज़िम्मेदारियों को तस्लीम करते हैं। अगर वो मान लो टीम के लीडर है तो लीडर के तौर पर उनका क्या काम है वो भी ये समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भले छोटे मोटे घराने के हो, दौलत उनके पास ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने सक्सेस को, अपने गोल को हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इल्हाक की तहरीक, गुजराती में इसे कहा गया सलंगतानी प्रेरणा। इल्हाक की तहरीक इंसानी ज़िंदगी की अहम तहरीक है। मैकडोगल ने बताया है कि ग्रोह में या दिगर के सोबत में रहने की जिबिलत हैवान में फितरी होती है। अगर वो रहना उसे कोई सिखाता नहीं है, ग्रुप में रहना, मतलब ग्रुप में रहना इंसान को कोई नहीं सिखाता है। बचपन में पैदाइश के बाद बच्चा अपने एक छोटा सा ग्रुप अपने ख़ानदान में आता है, फिर अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ, स्कूल में, समाज में। इस तरह से हमारे ये हैवानी फितरत है कि हम ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, इंसान में इसी जिबिलत की तरगीब की वजह से दिगर अफराद के साथ इल्हाक की तमन्ना रखता है। समझेगा इल्हाक क्या है डिटेल में। इल्हाक की तहरीक के ज़रिए कुंबे और समाज की तश्कील होती है। बच्चा अपने तहफ़ और आराम और आशाइश हासिल करने के लिए माँ बाप और कुंबे के दिगर अफराद की सोबत की ख्वाहिश रखता है। मुशरा तौर पर चंद अफराद या आला दर्जे के योगियों के अलावा किसी को तन्हा रहना पसंद नहीं। फ़र्द तन्हा होता है तब किसी न किसी की सोबत की ख्वाहिश रखता है। मौजूदा दौर में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के इस्तेमाल में होने वाला इजाफा भी, जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो भी इल्हाक की तहरीक की तरफ ही निशानदेही करता है। इल्हाक की तहरीक मतलब फ़र्द कोई भी इंसान अकेला रहना पसंद नहीं करता, किसी के साथ रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। हाँ, ये अलग बात है कि समटाइम्स हमारा मूड ऑफ होता है तब हम अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं, चंद लम्हात के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम तन्हा रहना पसंद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं। टेट के ज़रिए इल्हाक की तहरीक की भी पैमाइश की जाती है। ठीक है, तो इल्हाक की तहरीक यानी कि हमें साथ में रहना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर हमारे फैमिली मेम्बर के साथ रहना हमें पसंद होता है, ये तहरीक है इल्हाक की तहरीक। ये तहरीक होती है इसीलिए तो हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हमारे स्कूल्स के फ्रेंड होते हैं, आप जहाँ जॉब करते हो आपके वर्क प्लेस के कोई फ्रेंड्स होते हैं। तो ये इल्हाक की तहरीक है जिसकी वजह से हम लोगों के साथ, ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि 2 तहरीकें पढ़ी। अब जो 2 तहरीकें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तहसील की तहरीक और दूसरा हमने पढ़ा इल्हाक की तहरीक। याद रखना है, तहसील की तहरीक यानी कि वो तहरीक जो लोग
अपने गोल को, अपने मकसद को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं और तब जाके वो गोल को हासिल करते हैं। वो लॉन्ग रास्ता लेना पसंद करते हैं, शॉर्टकट रास्ते में वो यकीन नहीं रखते हैं। ज़्यादा पैसा मिल रहा है, डिग्री हासिल कर लो, इन सब में वो नहीं मानते, मेहनत करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और इलाक की तहरीक, हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद होता है, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, वो तहरीक कहलाती है इलाक की तहरीक। जितने भी पॉइंट है उसे नोट डाउन कीजिए और नोट में लिखिए। थैंक यू।